Myself, Sheetal Jadhav. I'm from Pune. Madam, my name is Bhagyashree Tondlikar and I'm from Kalyan. I'm Sangeeta Sinha from Kolkata. दो महाराष्ट्र एक कोलकाता। मैं बंगाली हूँ। हाँ, आज मैं अभी कुछ पहले मैं फ्लाइट से आई हूँ, तो बहुत लेट हो गया मैंने मुझको, तो मेरा हिंदी ज़्यादा नहीं आती है। मेरा मैं बंगाली में बोलूँ तो ज़्यादा आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल भी सकती हूँ। सो मेरी भी हिंदी थोड़ी वीक है, तो मुझे मराठी बहुत अच्छी से आती है। बोलो आप बंगाली, बोलो आप इंग्लिश या हिंदी? मराठी, इंग्लिश। तो यहाँ तक का कैसा सफर आपका रहा अब तक? मेरा फर्स्ट है या इससे पहले भी आपने कुछ किया? हाँ, मेरे फर्स्ट में मैं कलकत्ता में जो किया सेट जो होता है आदित्या, तो वहाँ पर मैं विनर हुई थी किया सेट में। तो अभी मैं कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले ही मैंने एफबी में देखा, तो देखकर मैंने फ़ोन टोन किया कि मैं जाऊँगी। मैम को भी रिक्वेस्ट किया कि मैम जाऊँगी, तो मैं कलकत्ता से आई हूँ, इसलिए मैम बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बस आना है, आपका इतना इंटरेस्ट है तो बस आ जाओ। थैंक्स श्रुति मैम, थैंक यू वेरी मच। कितना डिफरेंट है कलकत्ता और यहाँ का? आपने देखा होगा जो माहौल है, तो वहाँ भी आप कर चुकी हैं? हाँ, डिफरेंट तो है। यहाँ पर जो मैं देखती हूँ, मेरा जो पार्टिसिपेट है, जो मिसेज हुए, सब मिस है, ठीक है, तो सब कुछ बहुत मुझे हेल्प कर रही है। अभी जो अभी तक मैं यहाँ पर आई हूँ, वह बैठी हूँ, सब बहुत मैं हेल्प पा रही हूँ सबके पास में। आप बताइए, आपको कितना सपोर्ट है फैमिली का यहाँ तक आने का? सबसे पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, और उसके बाद मैम, सर, ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया, सो आई एम रियली थैंकफुल। एंड आपका फर्स्ट है? नहीं, मैं आईबा में भी थी, सलोनिक्स कॉम्पिटिशन में मेरा अभी 2018 में फर्स्ट रैंक आया इंडिया से, और भी हो गए हैं मेरे शोज। कितनी तैयारी की है ताज लेने के लिए आप? फुल। मैम से क्या सीखा? मैम से तो अभी सीखना है, कॉन्फिडेंस तो सीखा नहीं है, सीखना है। मैं भी वही कहना चाहती हूँ। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम नॉट मिस मिसेस। मेरी शादी हो गई है, और बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होके डांसर तो बनूँ, बिकॉज ऑफ बचपन में जैसे मैं डांस करती थी, तो मैं इंस्पायर थी माधुरी दीक्षित से। मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, सो मुझे लगता था कि मैं भी कुछ बन पाऊँ, लेकिन घर वालों का सपोर्ट नहीं था। पापा और मम्मी थोड़ा सा अलग रूट के थे, सो वो बोले कि नहीं, वो नहीं कर सकती तू। तो मेरी बहुत बचपन में शादी हो गई, मतलब 70 ईयर्स के थे तभी मेरी शादी हो गई, बाल विवाह बोल सकते हो। तो शादी होने के बाद फिर मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर बाद में मैंने सब छोड़ दिया था। मतलब मैंने बोला अभी कुछ हो नहीं सकता शादी होने के बाद ना। पहले तो मम्मी पापा ने अलाउ किया, तो शादी के बाद हस्बैंड क्या अलाउ करेगा? बट मैं जैसे सोचती थी उससे अलग हुआ। मेरा हस्बैंड मुझे इतना सपोर्टिव, एक्चुअल में मैं उसको हस्बैंड नहीं बोलती, दिस इज़ माई वेरी बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और वो मुझे हर एक मेरी ख्वाहिश पूरी करने के पीछे लगा हुआ रहता है। और मैं भी सोचती हूँ कि अगर उसकी इच्छा है तो क्यों ना मैं भी आगे बढ़ूँ, जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी करने में वो मुझे सपोर्ट करता है, सो मैं तो तैयार हूँ। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। मतलब मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम है ये मेरा, और मैडम की वजह से सच में मुझे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं उनको पहले तो गॉड मानती हूँ, बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे ये चांस दिया, सो थैंकफुल मैम। बस कोई एक मैसेज अपनी लाइफ से रिलेटेड लेके, कि जैसे आप कह रही हैं कि फैमिली ने चांस नहीं दिया, हस्बैंड ने चांस दिया, तो यस, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी लड़की जिस सोच से उठती है, मतलब बचपन में उसकी हर एक इच्छा रहती है, जो भी सपना देखती है, उसे सपोर्ट करने के लिए हर एक माँ बाप ने पता है कि वो भी जो भी करते हैं उनके लिए वो ग्रेट ही रहता है, उनकी वो जो सोचते हैं वो उनके भले के लिए सोचते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जो वो सोचते हैं उन्हीं में उनका भला होता है, तो क्यों ना माँ बाप भी वही करें बचपन से ही। हाँ, उन्हें आगे भेजें, एजुकेशन तो मिलता है, बट जिस स्कोप से वो आगे जाना चाहते हैं उसे क्यों हम निगलेक्ट करें? तो वो मैं सोचती हूँ, और मैं भी खुद मेरे बच्चे को यही सिखाती हूँ कि बच्चा तुझे जो बनना है वो बन, पापा और मैं हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे सपोर्ट अभी किया है मैरिड के बाद।
मेरे हस्बैंड को इंस्पायर होके। आप क्या मैसेज दोगी, आपको तो पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है, बनने वाली। मम्मी पापा का कभी दिल मत तोड़ो, वो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं, तो मम्मी पापा के बारे में हमेशा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते क्या बोलो? तो कैसे, सबकी फैमिली रहती है, जैसे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी हमारे फैमिली में सब मतलब है ऐसे, तो फिर हो जाता है। अच्छा, काम तो आने वाला है आपके सर पे लगता है तो क्या कहोगी आप अगर क्राउन आ गया तो? क्राउन आ गया तो धन्यवाद किसको दोगी, थैंक्स किसको बोलोगी? मम्मी पापा ने भेजा है तो पहली तो बात मम्मी पापा को थैंक यू, और उसके बाद मैम सर, अरे उन्होंने तो मेन दिया है हमें उनके वजह से तो हम आते नहीं यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजर का सबसे पहले मैडम आप इतनी मेहनत करें कलकत्ता से आई हैं तो आपका कोई आई बिलीव वुमेन कैन एवरी स्टेप आई बिलीव वुमेन कैन एवरी मोमेंट एवरी स्टेप, इसलिए मैंने यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझको देखकर और भी औरत व और भी वुमेन इंस्पायर हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना दूर से इधर आई हूँ। थैंक यू। थैंक यू।